आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिवविनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। आयुष्मान कार्ड बनाने सभी वार्डों में आयोजित किया गया शिविर। निःशुल्क शिविर में बनाए गए 670 आयुष्मान कार्ड। जनपरिषद कैमूर के द्वारा दिनांक 8 दिसंबर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैमूर के सभी वार्डों में निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जन परिषद के अध्यक्ष शांति यादव ने बताया कि अब तक 670 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जन परिषद ने संकल्प लिया है कि केंद्र एवं राज्य शासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाई जाएगी। रिपोर्ट SP तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। हमारी जन परिषद सामाजिक संस्था कैमूर के द्वारा आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जी की जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, जो कि 8 दिसंबर से बनाना शुरू किया गया है हम लोगों का। और अभी ये सभी वार्डों में हमने निःशुल्क शिविर लगाए हैं। आज 19 दिसंबर को ये हमारा अंतिम दिन है और अभी तक 670 कार्ड निःशुल्क बनाए जा चुके हैं। और हमारी संस्था का लक्ष्य यह है कि जन जन तक हम जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुँचाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उनका हम उन्हें लाभ दे सकें। और अभी आप सभी तो जान रहे होंगे कि सब लोग कोरोना को लेकर इतना दहशत में है, तो उससे उसको COVID-19 भी कहते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ सुरक्षा की जरूरत है, जैसे कि हमें अगर टाइफाइड होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, चावल मत खाना और गर्म पानी पीना, ऐसे हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वैसे हमें अभी भी इस समय पे कुछ जैसे कि मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को धोते रहना है, गर्म पानी पीना है, ऐसे उससे बचा जा सकता है। बाकी उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ में है कि उससे अपन को